आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब दो युवक मोबाइल के ऊंचे टावर पर चढ़ गए। दोनों युवकों की मांग है कि मंदिर ट्रस्ट में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच की जाए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने लड़कों को नीचे उतारने का काम किया। मामला जलालाबाद थाना क्षेत्र के गांधीनगर कस्बे का है, जहां कस्बे के ही रहने वाले कांवरिया यूनियन के दो सदस्य विशाल और कल्लू ऊंचे टावर पर चढ़ गए और आत्महत्या करने की धमकी देने लगे, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। युवकों का आरोप है कि चिरौंजी लाल मठिया की कमेटी में मरे हुए लोग कमेटी चला रहे हैं और मठिया के नाम हर महीने लाखों की कमाई होती है, तो वो कमाई कहाँ जा रही है, इसका कोई हिसाब नहीं दिया जाता। दुर्गा मंदिर के ट्रस्ट में करोड़ों का बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी शिकायत एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी तक की गई, लेकिन सत्ता के दबाव के चलते उसकी कोई जांच नहीं कराई। टावर पे मंदिर के लिए चढ़े थे, मंदिर का जो पैसा इन लोगों ने खाया है। किसने खाया? जिसकी मृत्यु हो चुकी उसका भी पैसा जो खा रहे जब से। अच्छा, हाँ, उनकी भी मृत्यु हो चुकी जब, तो उसका भी लोगों चल लिया कि ये मृत्यु हो रहने के बाद भी किराया लेते रहे। जिसकी मृत्यु हो गई तब भी करा लेते। 2,80,00,000 रुपए का घोटाला हुआ तो बैंक में केवल 20,000 रुपए 10,000 रुपए जमा है, जिससे कोई जमा नहीं पैसा हुआ। दुर्गा मंदिर ट्रस्ट में करोड़ों का बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी शिकायत एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी तक की गई, लेकिन सत्ता के दबाव के चलते उसकी कोई जांच नहीं कराई जा रही है। दोनों युवकों का आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट के नाम पर 2,80,00,000 रुपए का घोटाला हुआ है, लेकिन उसकी जांच अभी तक नहीं कराई गई। मरे हुए पुजारी के नाम पर भी ट्रस्ट से पैसा निकालकर उस पैसे का बंदरबांट किया गया। फिलहाल पुलिस प्रशासन अब टावर के हंगामे के बाद जांच की बात कर रही है। अब देखना यह होगा क्या इन दोनों युवकों की बात में कितनी सच्चाई है। शाहजहांपुर से कमलेश शर्मा, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जिम्मेदार कौन? दीमक की तरह खोखला करता भ्रष्टाचार, सड़क, बिजली, पानी के लिए हाहाकार, नेता विकास के वादे तो करते हैं बेबाकी, फिर विकास की ही कर देते हैं अनदेखी। आरक्षण की आग में झुलसता हिंदुस्तान, ज्वलंत मुद्दों का नहीं कोई समाधान।